क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारा या तुम्हारी कोई दोस्त अपना लंच घर पे भूल आए हों और तुमने अपना खाना उसके साथ शेयर किया हो? या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी क्लासमेट का पेन खत्म हो गया हो और तुमने अपना पेन उसे दिया हो? या फिर एक भरी बस में एक बूढ़ी महिला जब खड़ी दिखी तो तुमने अपनी सीट उनके साथ शेयर की? कैसा लगता है जब किसी के साथ अपने दुख या अपनी बहुत बड़ी खुशियां बांटें या शेयर करते हो? कैसा लगता है जब किसी के साथ कुछ भी शेयर करते हो? आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9 बस इसी थीम पे बेस्ड है। आपको इन्हीं कुछ पलों को याद करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है, ऑन शेयरिंग इज केयरिंग। तो आइए पहले देख लेते हैं कि वर्कशीट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्कशीट में दो फ्रेंड्स की फोटो दिखाई गई है। बारिश में भी दोनों कितने खुश दिख रहे हैं। एक फ्रेंड ने एक बड़े से पत्ते को छाता बनाते हुए बारिश से बचने के लिए अपने फ्रेंड से शेयर किया हुआ है। ऐसे दोस्त जिंदगी में होना एक ब्लेसिंग ही है, और ऐसे रिश्ते हमें मुश्किल समय में भी स्ट्रांग बनाते हैं। रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते ऐसी ही स्ट्रांग फाउंडेशन यानी मजबूत बुनियाद से बनते हैं। इनमें से एक बुनियाद है शेयरिंग। तो इस कंटेंट को देखते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसका टॉपिक होगा शेयरिंग इज केयरिंग। इसके साथ ही आपको कुछ कोटेशंस दी गई हैं, जैसे कि द बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस इज टू शेयर इट विद अदर्स। और एक और कोटेशन दी गई है, गुड फूड इज ऑल द स्वीटर व्हेन शेयर्ड विद गुड फ्रेंड्स। तो इन कोटेशंस का मतलब अगर समझाएं तो पहली कोटेशन का मतलब है कि आप जितनी खुशियां बांटेंगे उतनी ही वो मल्टीप्लाई होंगी, दुगनी होंगी। और इसी तरह से अगर दूसरी कोटेशन को देखें तो आपको खाना उतना ही मीठा ज्यादा लगेगा जितना आप उसे बांटेंगे। पैराग्राफ होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो पैराग्राफ उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक मेन आइडिया का डिस्क्रिप्शन हो। बेसिकली वी डू नॉट मेक सेवरल पॉइंट्स एट द सेम टाइम इन वन पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ मतलब एक मेन आइडिया। अब इस पैराग्राफ में हमारा एक ही मेन आइडिया होगा जो होगा शेयरिंग इज केयरिंग। इसके साथ हमें एक और कंडीशन दी गई है कि हमारा पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स में ही लिखना है, ना कम ना ज्यादा। तो इसका मतलब होगा कि मिनिमम हमें 100 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं और मैक्सिमम 120 वर्ड्स, और उससे ज्यादा हम वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं एक सैम्पल ऑफ दिस पैराग्राफ जो हमने 114 वर्ड्स में लिखा है। इस सैम्पल से आइडिया लेते हुए आप अपना पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। पर सैम्पल देखने से पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि हमने इसके साथ क्या प्रोसेस फॉलो किया है पैराग्राफ लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा और उसको समझा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। फिर हमने क्वेश्चन में दिए एग्जाम्पल के आसपास अपनी जिंदगी से जुड़े एक्सपीरियंसेस को याद किया। जैसे जब क्लास में मैंने एक बार फ्रेंड से खाना शेयर किया था, और कैसे एक बार राह चलते एक आदमी को प्यास लगी थी तो उसे अपनी पानी की बोतल दी थी। या फिर वो टाइम जब तेज बारिश में एक अनजान आंटी ने अपनी अम्ब्रेला मुझसे शेयर की थी। इन सब मोमेंट्स के साथ याद आई वो स्माइल जो चेहरे पे आ गई थी किसी के साथ कुछ शेयर करने में या किसी से हेल्प मिलने पे। बस फिर इन सब थॉट्स को लिख दिया। लेकिन प्रोसेस यही नहीं रुका। नोटिस किया तो हमारा पैराग्राफ 147 वर्ड्स का था। तो फिर हमने उसे दोबारा से पढ़ा, थोड़ी सी काट छाट की और एडिटिंग की। वर्ड्स कहीं से हटाए, कहीं पे बेटर वर्ड्स डाले। कुछ वर्ड्स के लिए गूगल पे बेटर सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, उनको ढूंढा, जैसे कि जैम पैक्ड की जगह ओवरक्राउडेड। फिर पूरे पैराग्राफ की सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक किया कि सारे सेंटेंसेस ठीक वर्ड ऑर्डर में लिखे हैं कि नहीं, वो सेंस बना रहे हैं कि नहीं। फिर उसकी ग्रामर चेक की, फिर उसकी स्पेलिंग्स देखी हमने, सारी स्पेलिंग्स ठीक से लिखी हैं कि नहीं। साथ ही साथ हमने देखा कि पूरा पैराग्राफ एक फ्लो में है कि नहीं, और आइडियाज का एक कोहरेंस है कि नहीं, कि आप एक फ्लो देख पा रहे हैं कि इस आइडिया के बाद दूसरा आइडिया ठीक लग रहा है कि नहीं। तो
ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। इस पूरी एडिटिंग के बाद हमारा पैराग्राफ 114 वर्ड्स का अच्छे से कोहेरेंटली लिखा गया। आप भी इस सैंपल को देखिए और अपना पैराग्राफ लिखने की कोशिश कीजिए। तो हमारा सैंपल कुछ इस तरह से है। शेयरिंग इज केयरिंग। एज अ ह्यूमन इट इज इन आवर नेचर टू केयर फॉर थिंग्स वी हैव, बी इट फूड दैट वी कुक्ड फॉर आवरसेल्व्स और अ सीट फाउंड इन एन ओवरक्राउडेड मेट्रो। It is natural to fulfill our basic needs and enjoy these completely for our happiness. Yet, when one shares something that they have with someone who needs it, it shows that they care not only for themselves, but also for other human beings. Sharing with an open heart brings joy both to the receiver as well as to the one who shares. Therefore, no doubt it is true when they say, The best way to multiply your happiness is to share it with others. तो ये था हमारा एक सैम्पल पैराग्राफ 114 वर्ड्स का। आप भी प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ देखकर और इस सैम्पल से आइडियाज लेकर अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं ऑन शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द बेस्ट।